हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुकेश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक गुरु मुकेश। दोस्तों, आज का ये वीडियो स्पेशली है अमेजोन के न्यू सेलर्स के लिए। तो दोस्तों, अगर आपने न्यू सेलर अकाउंट अमेजोन के ऊपर ओपन किया हुआ है तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अमेजोन के ऊपर आप अपनी पहली लिस्टिंग, जो फर्स्ट लिस्टिंग है, वो कैसे करेंगे बिना किसी गलती के। और दोस्तों, जब भी आप एक नया सेलर अकाउंट ओपन करते हो अमेजोन के ऊपर, तो इंस्टेंटली आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलती है, जिससे आपको बहुत ही दिक्कत होती है अपना प्रोडक्ट को लिस्टिंग करने में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि आप अपने प्रोडक्ट अमेजोन के पैनल के ऊपर किस तरह से लिस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अमेजोन के ऊपर अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए आपको कुछ डिटेल्स हैं जो आपको चाहिए होंगी, जो मैंने कि यहाँ पे देख सकते हो, एक्सेल में मैंने कुछ डिटेल्स चाहिए होती हैं जो मैंने यहाँ पे डाल के रखी हुई है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, तो ये देखिए, ये मेरे प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद प्रोडक्ट का SKU नंबर, तो यहाँ पे आपको अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए आपके पास एक SKU नंबर होना चाहिए। और SKU नंबर को आप कैसे जेनरेट कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊँगा कुछ आने वाली वीडियोज़ में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने अपना एक SQA नंबर इधर जेनरेट कर रखा है, और SQA के ऊपर दोस्तों मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाने वाला हूँ, जो कि आगे आपको देखने के लिए मिलेंगी। उसके बाद दोस्तों, हमारे यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट हम लिस्ट कर रहे हैं, इसका हमारे पास एक HSN नंबर यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद हमारी सेलिंग प्राइस होनी चाहिए कि हम क्या प्राइस में वहाँ पर सेल करना चाहते हैं। तो मेरा जो प्रोडक्ट है, यहाँ पर 12,500 रुपये का प्रोडक्ट है, इसके अंदर जो है शिपिंग भी इंक्लूड मैंने कर रखी है। उसके बाद चाहिए होता है हमें हमारा मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जो भी आपका प्रोडक्ट आप यहाँ पर लिस्ट कर रहे हो उसकी मैक्सिमम रिटेल प्राइस कितनी है, वो आपको यहाँ पे चाहिए रही होगी। उसके बाद दोस्तों, हम यहाँ से गूगल क्रोम ओपन कर लेंगे, और यहाँ से हम अमेजोन सेलर सेंट्रल के ऊपर आ जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वेबसाइट है वो है sellercentral.amazon.in। इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का एक न्यू पैनल आएगा, जहाँ पे आपको आपका अकाउंट साइन इन, और दोस्तों साइन इन कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम अपना ईमेल आईडी डाल सकते हैं और अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। ये दोनों डिटेल वो हैं जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर दी थी, तो इन दोनों में से कोई भी आप डाल के यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड डाल के आप यहाँ पर साइन इन के ऊपर क्लिक कर देंगे। दोस्तों, साइन इन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है यहाँ पे 2-स्टेप वेरिफिकेशन का एक OTP जो है आपके मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। जो भी मोबाइल नंबर आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिया हुआ है, उस मोबाइल नंबर पे आपके एक रजिस्ट्रेशन कोड आएगा। तो यहाँ पे जो है, ये ऑथराइजेशन एक ऐप के थ्रू बोल रहा है, तो हमें ऐप के थ्रू नहीं करना है, हमें यहाँ डिड नॉट रिसीव्ड OTP के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद से हमें हमारा मोबाइल नंबर चूज़ करना है, जो भी हमने मोबाइल नंबर दिया है इसमें। जैसे कि मैंने अपना ये वाला मोबाइल नंबर दे रखा है, जिसके लास्ट में 786 है। तो इसमें दो ऑप्शंस हैं, जैसे कि टेक्स्ट मी और कॉल मी। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट मी के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे सेंड OTP के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे आप सेंड OTP के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके फ़ोन पे आपका OTP जो है आपके फ़ोन पे आ चुका होगा, आपको वो यहाँ पे डाल देना है। OTP डालने के बाद, अगर आप चाहते हैं कि जिस भी कंप्यूटर में, जिस भी डिवाइस में आप लॉगिन कर रहे हैं, उसमें बार बार ये 2-स्टेप वेरिफिकेशन का कोड का ऑप्शन ना दिखाया जाए, तो उसके लिए आप यहाँ पे इसके ऊपर टिक कर देंगे और साइन इन के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो मैं इसको टिक नहीं करूँगा और मैं साइन इन के ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद दोस्तों, आप देखेंगे तो आपका अकाउंट जो है यहाँ पे लॉगिन हो जाएगी। तो अभी हमारी अकाउंट जो है यहाँ पे लॉगिन हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों, हमें न्यू प्रोडक्ट को ऐड करना है। तो न्यू प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए हम यहाँ पे 3 लाइंस के ऊपर यहाँ पे जाएंगे लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे कैटलॉग के ऊपर जाएंगे, और यहाँ से हम ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट को लिस्ट करने के 3 तरीके होते हैं।
पहला कि आपका जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं वो अमेजोन की वेबसाइट पे पहले से ही सेल हो रहा हो, उसके लिए हम यहाँ पे सर्च में जाके प्रोडक्ट को सर्च करेंगे और लिस्ट करेंगे, जो प्रोसेस मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। दूसरा है कि आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन। दोस्तों ये सेकेंड ऑप्शन है, जो कि अमेजोन के ऊपर आप ऐसे प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं अमेजोन की वेबसाइट पे जो कि अभी तक अमेजोन की वेबसाइट पे किसी ने सेल ना किया गया हो, उसके लिए आप यहां से कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है वो है आई एम अपलोडिंग अ फाइल टू ऐड मल्टीपल प्रोडक्ट्स। और दोस्तों ये थर्ड वाला जो है, एक साथ सभी प्रोडक्ट को आप लिस्ट कर सकते हो, आपके पास जितने प्रोडक्ट हो 10, 20, 50, 100 उन सभी को आप एक साथ इस ऑप्शन के थ्रू आप लिस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों इसके ये सेकेंड और थर्ड के बारे में मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रख लीजिए ताकि मैं आगे जो भी वीडियो को अपलोड करूं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। मैं जो प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्ट करने वाला हूँ वो प्रोडक्ट ऑलरेडी अमेजोन की साइट के ऊपर लिस्टेड है, कोई सेलर है जो वो उसको उस प्रोडक्ट को अमेजोन की वेबसाइट के ऊपर सेल कर रहा है। तो आप अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे कैसे सर्च कर सकते हैं? दोस्तों आप अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे पांच ऐसे ऑप्शंस है जिससे आप अपने प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं। पहले है यहाँ पे प्रोडक्ट नेम, दूसरा है यूपीसी कोड, तीसरा है ईएन कोड, चौथा है आईएसबीएन कोड और पाँचवा है एएसआईएन कोड, जो कि ये अमेजोन का बनाया हुआ खुद का कोड है, तो इससे भी आप यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं। तो चलिए मैं प्रोडक्ट के नेम के हिसाब से इसको मैं सर्च कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने प्रोडक्ट का नेम यहाँ पे डाल दिया है, अब इसको मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ। वीडियो में दोस्तों बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें, नहीं तो आप हो सकता है कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो आप ना देख पाओ। और दोस्तों ये देख लीजिए, हमने जो यहाँ पे प्रोडक्ट सर्च किए हैं उसमें टोटल 17 ऐसे प्रोडक्ट है जो इस नाम से यहाँ पे सेल हो रहे हैं। दोस्तों जो मेरा प्रोडक्ट है वो है कोरस इंडूरा का 2801, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने डिटेल बनाया हुआ है इसके अंदर देखते हैं कोरस इंडूरा 2801। तो दोस्तों मेरा ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मिल जाने के बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। बेसिकली जो भी प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं वो न्यू प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो न्यू हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे, उसके बाद सेल दिस प्रोडक्ट के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू विंडो जो है इस तरीके से ओपन हो जाएगी। न्यू विंडो ओपन होने के बाद आपको थोड़ा इसको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है, और दोस्तों यहाँ पे जो है फर्स्ट में आपको आपका SKU नंबर जो है आपको डाल देना है। SKU नंबर जो है मैंने आपको बताया है कि ये तो ये मेरे प्रोडक्ट का SKU नंबर है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। SKU नंबर पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग है वो यहाँ पे आप डाल देंगे। तो मैंने जो इसकी प्राइसिंग रखी है 12,500 रुपये, और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ये प्रोडक्ट है, जिस बंदे ने इस प्रोडक्ट को यहाँ पे डाला हुआ है उसने जो इसकी प्राइसिंग डाल रखी है 10,900 रुपये। तो यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि मैच लोवेस्ट प्राइस, अमेजोन हमें ये कह रहा है कि जितना कम से कम प्राइस आप रख सकते हो आप वो प्राइस यहाँ पे रखें ताकि आपके पास ऑर्डर जल्दी से जल्दी आए और ज़्यादा से ज़्यादा आए और आपका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो। मेरी जो प्राइसिंग है वो है 12,500, तो मैं 12,500 ही डालूँगा यहाँ पे। योर प्राइस डालने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं, जाएंगे हम क्वांटिटी के ऊपर। तो ये हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पे हम इस 12,500 की प्राइसिंग में कितने प्रोडक्ट जो हैं उसको हम सेल करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट को सेल करना चाहता हूँ 12,500 में, और यहाँ पे ये कंडीशन पूछ रहा है कंडीशन कैसा है, तो इसका कंडीशन न्यू है। बेसिकली मैंने यहाँ पे न्यू सिलेक्ट कर रखा था इसके, तो ये न्यू है। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे इसका HSN नंबर डाल देना है। HSN नंबर ये रहा, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। HSN नंबर कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और दोस्तों HSN नंबर डालने के बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे मैक्सिमम रिटेल प्राइस। दोस्तों इसकी जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है ये मैंने यहाँ पे डाल रखी है, तो इसकी मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो है हम यहाँ पे डाल देंगे 17,000 रुपये।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं फुलफिलमेंट चैनल, और दोस्तों यहाँ पे फुलफिलमेंट चैनल के ऊपर आप यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे टिक रहता है, जिसमें ये आपके खुद की शिपिंग के लिए और एजी शिप के लिए ये ऑप्शंस चूज़ होता है। आप चाहें तो इसमें अपने प्रोडक्ट को खुद भी आप शिप कर सकते हैं, आपके पास जो भी ऑर्डर आएंगे आप उसको खुद भी शिप कर सकते हैं, या आप ईजी शिप के माध्यम से भी आप उनको शिप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से सेव एंड फिनिश के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड फिनिश के ऊपर क्लिक करेंगे आपका प्रोडक्ट जो है यहाँ से लिस्ट हो जाएगा। और दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं योर अपडेट्स हैव बीन सबमिटेड, और दोस्तों आपकी जो लिस्टिंग है और यहाँ पे आपकी लिस्टिंग जो है वो सक्सेसफुली अब सबमिट हो चुकी है। और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखी हुई है आपकी जो ये लिस्टिंग है वो 15 मिनट्स में लाइव हो जाएंगी आपके अमेजोन सेलर सेंट्रल इन्वेंट्री के अंदर, 15 मिनट्स में जो है ये लाइव हो जाएंगी और अमेजोन के ऊपर सभी को ये लिस्टिंग जो है दिखाई देने लग जाएंगी। तो दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस वीडियो के बारे में अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और टेक्नोलॉजिकल वीडियोस को देखते रहने के लिए मिलता हूँ आपसे इसी तरह की एक और टेक्नोलॉजिकल वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।